क्यों नहीं वो कर क्यों नहीं रहे, उन्होंने क्या किया, आज तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए, इसका जवाब पूछिए। उन्होंने क्या आज तक एक बार भी बता दें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कि भाजपा जब साथ नहीं थी तब किसी ने आरक्षण दिया हो। यह एक पूरी साजिश है और यह साजिश के तहत जानबूझ करके यह चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, जिससे कि जिनके कारण वह रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनको नगर निकाय की पूरे विकास की राशि दिया जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट डायरेक्शन है, आपको अगर वह डायरेक्शन नहीं पसंद था आप सुप्रीम कोर्ट में जाते। आप आज तक ना ही सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ना ही आप आयोग बना करके इसका कर रहे हैं। अगर आप दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो यह साफ बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड आरक्षण विरोधी है। जहां भी वो कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि आप कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अभी तक क्यों नहीं गए, यह साफ बताता है कि साजिश है। जब नगर निकाय के चुनाव आया तो उनको समझाया गया कि 2021 में इस तरह की घटना घट चुकी है तो हम एक तदर्थ समिति बनाए। उन्होंने कहा कि नहीं तब कोई ऐसा नहीं बनेगा। एजी ने भी रिकमेंडेशन की, आप सब जानते हैं कि एडवोकेट जनरल का रिकमेंडेशन था कि ट्रिपल टेस्ट करा करके ही चुनाव होना चाहिए, उस रिकमेंडेशन को भी नकारा। तब तक नीतीश कुमार के मन में पाप आ गया था कि हम तथाकथित स्वप्न देखें इस देश के प्रधानमंत्री बनने का। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी लगातार उनसे यह कह रही थी कि एक तदर्थ समिति बनाया जाए जिससे कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और सरकारी कर्मचारियों के हाथ में नहीं रहे बल्कि जो जनप्रतिनिधि हैं जब तक चुनाव नहीं होता है उनके हाथ में रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी के मन के पाप के कारण यह हुआ नहीं, पूरी की पूरी कमेटी को सरकारी अफसरों के साथ दे दिया गया। अब जब उनके साथी राष्ट्रीय जनता दल हो गए हैं तो फिर वह 1990 में जब लालू जी और नीतीश जी की जोड़ी एक साथ थी उस समय भी पंचायतों में नहीं दिया गया था आरक्षण और वही काम आज फिलहाल नगर निकाय के साथ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हर हालत में अनुसूचित जाति को, अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए तुरंत अपना जो भी करना है करें और चुनाव भी शीघ्र होना चाहिए। यह एक जानबूझकर बिहार में साजिश रची जा रही है कि नगर निकाय के सभी विकास की राशि मंत्री के पास रहे और यह पूरा लूट बिहार में नगर निकाय में, नगर पंचायत में हो सके, इसीलिए जानबूझ करके तदर्थ समिति में नहीं बनाया गया। और आज भी हम यह अखबार में दिया गया था कि 8 को हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 10 को सुप्रीम कोर्ट भी खुल गया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।